वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आपसे कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा सरकार 18 बड़े बड़े धमाके, 3 लाख फ्री सभी को महा ऐलान, सीएम नायब करोड़ों लोगों को तोहफा, बीपीएल वालों को बड़ी घोषणा, आयुष्मान से इलाज बंद, सीएम नायब आज 3 जुलाई आज 2 जुलाई बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े ऐलान, बड़े बड़े धमाके। विस्तारपूर्वक संवाद चर्चा आपसे करेंगे, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। मेरे साथ जुड़े हैं, आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना का बाहर कब चला गया, या आदेश का बाहर कब चला गया, इस योजना का फॉर्म कब भरा गया, इस योजना में बदलाव कब हुआ, कब चला गया, ठीक है। या तो भाई तुम जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। आप सीधा मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहले भाई बड़े बड़े धमाके क्या है ये, पूरे धमाकों पर विस्तारपूर्वक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले भाई आज जो है सरपंचों की बहुत बड़ी रैली, सरपंचों की बहुत बड़ी रैली महिपाल ढांडा, पंचायत मंत्री और सीएम नायब सिंह सैनी जी करने जा रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी रैली का जो है आयोजन आज होने जा रहा है, ये दोपहर 1 बजे ये आयोजन होगा। भाई प्रदेश भर के सभी सरपंचों को इस रैली में बुलाया गया है। आज सरपंचों के लिए विशेष तोहफा, आज सरपंचों के लिए बड़े बड़े महा ऐलान नायब सिंह सैनी द्वारा किए जा सकते हैं। साथियों ये क्यों किए जाएंगे, क्योंकि सरपंच प्रदेश का बीजेपी सरकार से नाराज चल रहा है। इंटरेंडरिंग अन्य विषयों को लेकर सरपंचों की नाराजगी प्रदेश सरकार से लगातार बनी हुई है, तो इसी नाराजगी को ख़त्म करने के लिए विधानसभा चुनाव आ रहा है। बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है सरपंच जो है अपने पंचायत के अंदर डालता है, वोटा में विधानसभा के अंदर डालता है, तो सरपंच नाराज ना रहे इसी के लिए आज बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम, आज बहुत बड़े बड़े तोहफे आज पंचायतों को देने जा रहे हैं। भाई दूसरा बड़ा धमाका महा धमाका एच कैरन, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,19,000 कर्मियों का वेतन बढ़ा, यानी जो हरियाणा प्रदेश के अंदर कच्चे कर्मचारी हैं उन सभी की तनख्वाह सैलरी बढ़ा दिया गया है। कल जैसे ही नायब ने ये तनख्वाह बढ़ाने का ऐलान किया था, मैंने सबसे पहले सबसे तेज आपको दिया था, ठीक है। किडनी लीवर ट्रांसप्लांट में 3 लाख रुपए फ्री देने का ऐलान जो है नायब सिंह सैनी ने कर दिया है। भाई आप किडनी अगर बदलती है आपकी और लीवर बदलता है आपका, ट्रांसप्लांट कह लो या प्रत्यारोपण कह लो, ठीक है, 3 लाख रुपए आपको जो है नायब सिंह सैनी साहब देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है करने का ऐलान किया है। साथियों ये जो है 3 लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे, आयुष्मान में इसका जो विशेष पैकेज जो है सरकार देगी। बाकी आयुष्मान कार्ड से हरियाणा प्रदेश के अंदर वर्तमान में इलाज बंद है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो भाई किडनी और लीवर के लिए 3 लाख रुपए सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है। सरपंचों के लिए आज होंगी कई घोषणाएं, मिलेंगी सौगातें, या आप देख सकते हो सरपंचों के लिए आज कई घोषणाएं होंगी और सौगात जो है आज नायब सिंह सैनी जी जो है सरपंचों के लिए देने जा रहे हैं। हैप्पी कार्ड का जल्द से जल्द जो है वितरण करें, नायब सैनी ने कहा है। हैप्पी कार्ड हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवार जो है यात्रा परिवहन यात्रा मुफ्त यात्रा 1,000 किलोमीटर, इसमें बीपीएल परिवारों को देने का काम नायब सिंह सैनी साहब ने किया है। साथियों जो भी बीपीएल परिवार हैं उन सभी के लिए रोडवेज में 1,000 किलोमीटर जो है यात्रा मुफ्त है, लेकिन उसके लिए पहले हैप्पी कार्ड, उस कार्ड का नाम क्या रखा गया है, हैप्पी कार्ड। इस योजना का नाम क्या है, हैप्पी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, ठीक है। तो साथियों इन्होंने कहा भाई जिसने आवेदन कर दिया, मुख्यमंत्री ने कहा भाई उनके जो कार्ड उनके घर जल्द से जल्द पहुँचा दिए जाएँ। अब तक क्या था, अब तक वहाँ जाना पड़ता था उसको लेने के लिए बस अड्डा, ठीक है। राज्य सरकार की घोषणा, भाई प्रदेश में मौलाना हो जाए, ग्रंथी हो जाए, पुजारी हो जाए, बाबा हो जाए, भाई किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति है, मतलब जो धर्म गुरु है भाई, उन सभी के लिए सरकार जो है अब बोर्ड गठन कर दिया है, इनके लिए तनख्वाह देगी। अब तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए जो है तनख्वाह का ऐलान है, जबकि हरियाणा सरकार ने क्या, सबका साथ सबका विकास, हमारे लिए सभी समान है, हम हिंदुओं को पुजारियों को भी देंगे, हम मुसलमानों के इमामों को भी देंगे, हम जो है गुरुद्वारे में रहते हैं उसको भी देंगे, हम जो ईसाई है जो उसमें चर्च में रहता है उसको भी देंगे, हम जैन पादरी सभी धर्मों के जो धर्म गुरु हैं उन सभी को तनख्वाह देंगे, उन सभी के बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, उन सभी के बच्चों को उनको जो है आयुष्मान कार्ड का मुफ्त इलाज देंगे। तो भाई इसके लिए बोर्ड गठन कर दिया गया है, बहुत जल्द 10 दिन के अंदर अंदर इनकी तनख्वाह जो है फिक्स कर दी जाएगी। ये भाई देखो पंडित पुजारी पुरोहित इमाम मौलवी ग्रंथी भिक्षु लांबा और भाई साधु सौपनी और भाई भिक्षु पादरी, भाई इन सभी को जो है सरकार ने वो किया है, सभी धर्मों के सबको उसको, ये आप देखो 3 लाख रुपए तक के मुफ्त करने लिए ट्रांसपोर्ट को वो दे दिया गया। हरियाणा सरकार आयुष्मान योजना के 300 करोड़ रुपए जो है सरकार नहीं चुका पा रही है प्राइवेट अस्पतालों को, तो प्राइवेट अस्पतालों ने अब जो है रोक लगा दी गई है। भाई आयुष्मान कार्ड से हरियाणा प्रदेश के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा,
क्योंकि सरकार पे इनका 300 करोड़ रुपये का बकाया है, सरकार इनका चुका नहीं रही है। इनका कहना है कि भाई पहले हमारी पुराना हिसाब किताब क्लियर करो, 300 करोड़ रुपया क्लियर करो, तब हम आपके लिए जो है आपके लोग जनता की जो है आयुष्मान कार्ड से इलाज करेंगे। महत्वपूर्ण हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिला उसमें भाई अस्पतालों में बाल चिकित्सा इकाइयों के लिए 44 करोड़ स्वीकृत कर दिए हैं। केस दर्ज होने के 3 साल में अब न्याय मिलेगा। साथियों अब नए कानून लागू कर दिए गए हैं, 376 धारा खत्म कर दी गई, अब 63 आ गया, भारतीय न्याय संहिता आ गया है जिसने भारतीय दंड संहिता का रूप लिया है। IPC इंडियन पीनल कोड की जगह क्या गया, भारतीय न्याय संहिता। तो साथियों अब 3 नए कानून लगा दिए गए हैं। तो यो बड़ा बड़ा धमाका था जो मैंने आपको विस्तार पूर्वक दिया है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी अच्छा लगेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।